हाय एवरीवन दोस्तों, मैंने कई बार कहा है कि पेपर को समझना या फिर पेपर की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उसी को ध्यान में रखकर आज से हम लोग है ना कंटिन्यूसली यहाँ से रोज़ पेपर एनालिसिस करेंगे, साथ साथ उसको सॉल्व भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सेंस बनता है पेपर सॉल्व करने से और पेपर को एनालिसिस करने से। तो हम लोग ईवीएस से शुरू करते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए मैं आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिए। देखो यहाँ पर ईवीएस का पहला क्वेश्चन है 61 नंबर का, ये वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग जोहाद इज करेक्ट। तो ये जोहाद क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला है, देखो जोहाद आपको सबको मालूम है क्या है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, है ना, पहला ऑप्शन। दूसरा, इट इज फिल्टर इम्प्योरिटी फ्रॉम वाटर, ये गलत हो गया। इट इज पंप ग्राउंड वाटर इन टू नियर बाय वेल, स्टोर वाटर फ्रॉम द रिवर। देखो ये सारे ऑप्शन गलत है। देखो जोहाद है ना जो, तो राजस्थान का, और उसमें भी खास तौर पे अलवर, अलवर। तो यहाँ पर ये वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत पुराना तरीका है। देखो राजस्थान हम सबको मालूम है कि वाटर शेड इलाका है, जहाँ पर बारिश बिल्कुल गिरती नहीं है, तो वो हिसाब से वो लोगों को पानी की अहमियत पता है। तो बहुत पुराना सिस्टम है वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग का। तो वहाँ पर जगह जगह छोटे छोटे डैम बनाए हैं, जो छोटे छोटे डैम, मतलब ये जो जोहाद है ये एक तरह का डैम है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, ये अलवर का एक फोटो है। तो ये छोटा छोटा ऐसे डैम आपको देखने को मिलेंगे, छोटे मतलब ये डैम उतने बड़े नहीं होते हैं, छोटा डैम बोल सकते हैं हम लोग, जिसको राजस्थान में जोहाद बोला जाता है। तो ये पानी हार्वेस्टिंग करने का और ये कम्युनिटी बेस्ड हार्वेस्ट करने का बहुत पुराना तरीका है राजस्थान में, और खास तौर पर अलवर में। अलवर में आपको हजारों ऐसे जोहाद देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ एक और कंसेप्ट है जो हमको समझनी है, वो ये है कि खादिन, खादिन और जोहाद ये दोनों अलग अलग टर्म है। देखो जोहार क्या है, पानी हार्वेस्ट करने का एक तरीका है, जैसे कि हमारे डैम होते हैं वैसे, बट छोटा डैम बोल सकते हैं हम लोग जोहाद को। पर खादिन क्या होता है, जो रन ऑफ है, मतलब जो पानी पहाड़ों पे से या ऊंची जगह से बहकर जो स्पीड से बहके चला जाता है ना, तो उसको रोकने के लिए छोटी छोटी जगह पर ऐसे छोटे छोटे रिटार्ड, मतलब बांध बनाए जाते हैं, और छोटा छोटा एक तरह का पानी कंजर्व और हार्वेस्ट करने का एक डैम बनाया जाता है, ताकि पानी सीपेज हो जाए। इसको बोलते हैं खादिन। खादिन जो हाथ से भी छोटा होता है। खादिन की खास बात क्या होती है, ये ऊंची जगह पर जो पानी बह रहा है उसे रोकने के लिए बनाया जाता है। जो हमारा वाटर शेड मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, मैं वाटर शेड का आपको फिर कभी एक फोटो बताऊंगा, उसमें समझाऊंगा कि वाटर शेड क्या होता है। तो वाटर शेड मैनेजमेंट के अंदर में जो छोटे छोटे बांध बना के पानी रोका जाता है, उसको खादिन बोला जाता है। और जोहाद थोड़े बड़े होते हैं और जमीन लेवल पर होते हैं, जो कि इस तरह होते हैं आपके सामने। और ये कम्युनिटी बेस्ड वाटर हार्वेस्टिंग का राजस्थान का बहुत पुराना तरीका है और बहुत खूबसूरत तरीका है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या है, तो कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो मतलब कम्युनिटी बेस्ड मतलब क्या, ये सबके लिए यूज कर सकते पानी, मतलब पूरी जैसे गाँव के लोग मिलकर बनाते हैं उसको, कि पूरा गाँव उसका यूटिलिटी कर सके, उस पानी का इस्तेमाल कर सके। तो इसलिए इसको कम्युनिटी बेस्ड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। ये फिल्ट्रेशन वगैरह का कुछ काम नहीं करता है, कुछ नहीं, ऐसा इससे पानी सूख जाता है, इसलिए ये गलत है। और इस ग्राउंड वाटर इन टू नियर बाय वेल, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, स्टोर रिवर वाटर, ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटर्जी प्रमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम फूड। देखो फूड थीम बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके लिए बच्चों में इंक्वायरी बेस्ड, मतलब आपको क्या करना है कि बच्चे इंक्वायरी बेस्ड जो उनकी टेंडेंसी है या अप्रोच है वो कैसे बिल्ड हो सकता है, वो हमको बताना है। और किस रिगार्ड फूड, ये थीम के अंदर में हमको बताना है। तो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है। आस्किंग स्टूडेंट टू कलेक्ट पिक्चर ऑफ वेरियस फूड आइटम, मतलब पहले आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को पूछ रहे हैं कि आप जो फूड के, जो अलग अलग फूड है उनकी पिक्चर कलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, पहला। दूसरा, डेमोन्स्ट्रेटिंग फायरलेस कुकिंग ऑफ सैंडविच सिकंजी लेमन वाटर ETC, मतलब आप बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन करके बता रहे कि बिना फायर के, बिना आग के आप सैंडविच और जो सिकंजी है वो कैसे बना सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा, आस्किंग स्टूडेंट टू फाइंड आउट फूड प्रेफरेंसेस ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स, बच्चों को बोलने लगाएंगे कि आपकी फैमिली में जो मेम्बर है वो किस तरह के खाने खाना प्रेफर करते, पसंद करते। चौथा है, शोइंग पिक्चर ऑफ द वेरियस प्रिजर्व फूड आइटम यूज इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्वायरी, मतलब आपको इंक्वायरी करना सिखाना है बच्चों को। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि वो बच्चे घर पे जाएंगे, घर पे जाने के बाद में वो फैमिली मेम्बर लोगों से
सवाल पूछेंगे कि आपको कौन से खाने पसंद है, किस तरह के खाने आप प्रेफर करते हैं या किस तरह के, तो तरह तरह के सवाल करेंगे। अब ये सवाल करेंगे तो बच्चों में क्या होगा, इंक्वायरी, मतलब वो क्वेश्चनिंग करेंगे तरह तरह के, तो इंक्वायरी की जो क्वालिटी है, जो स्किल है बच्चों में बढ़ेगी। इसलिए याद रखो, देखो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो ये बहुत अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये बहुत है अगर थीम की बात करें तो, बट अगर यहाँ पर इंक्वायरी आ गया ना, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन 2 नंबर का राइट आंसर है। अगर 2 नहीं होता तो ये वाला आंसर होता राइट, क्योंकि वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आता उसमें, ठीक है। तो आंसर अगर हमारा 2 नंबर का। एक बात याद रखो, जब भी इंक्वायरी की बात होगा तो वहाँ पर बच्चे सवाल पूछेंगे, ये याद रखना कि बच्चों के पास एक क्वेश्चनरीज रहेंगे, सवाल पूछेंगे, उस रिगार्ड वो क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ईवीएस टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू थिंक एंड आंसर व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल इन वूलन क्लोथ ड्यूरिंग विंटर, दिस क्वेश्चन इज। देखो यहाँ पर ये सवाल देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टीचर बच्चों से क्वेश्चन करता है, आज स्टूडेंट टू थिंक, मतलब सोचो कि व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल वूलन क्लोथ ड्यूरिंग विंटर, मतलब सर्दियों के सीजन में हम लोग जो वूलन क्लोथ रहते स्वेटर वगैरह, तो उसमें कंफर्ट क्यों फील करते हैं, ये बच्चों को सवाल पूछा है टीचर ने। तो ये किस तरह का टीचर है, ये किस तरह का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का टाइप कैसा है, मतलब बच्चों को कहा जा रहा है कि भाई हम लोग जो वूलन के कपड़े जो स्वेटर गर्मी और ठंडियों के दिनों में पहनते हैं तो उससे हम कंफर्ट फील करते हैं, तो उसका रीजन क्या है, मतलब उसका वजह क्या है, ये पूछने के लिए सवाल पूछा है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट एनालिटिकल क्वेश्चन है। देखो कन्वर्जन क्वेश्चन नहीं है, और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बोले तो मतलब एक हाइपोथेटिकली बनाया है बस बच्चों को एग्जाम्पल देने के लिए, रियलिटी से उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, एनालिटिकल क्वेश्चन है। बच्चे क्या करेंगे, थिंकिंग करेंगे, उसमें डिटेल में डीप थिंकिंग करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न है, उस पर एनालिसिस करेंगे, दूसरे कपड़ों से भी कंपेयर करेंगे उसके, जो कि गर्मियों में पहने जाते हैं वो सिल्क के कपड़े और कॉटन के कपड़े, तो वो सब चीज़ों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो वूलन क्लॉथ है वो सर्दियों में हमें कम्फर्ट क्यों देते हैं। तो मतलब एक तरह का एनालिसिस रहेगा उसमें ये, और दूसरा इसको हम लोग डाइवर्जन क्वेश्चन, जो डाइवर्जन थिंकिंग वाले क्वेश्चन है वो भी कह सकते हैं, जिसमें आप बच्चे को डाइवर्स थॉट या थिंकिंग करना पड़ेगा ऐसा क्वेश्चन। तो इसलिए आंसर रहेगा आपका ये वाला सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर इन ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी डिस्क्राइब वाहिदा प्रिज्म एंड हर एक्सपीरियंसेस इन द नेवी एज अ डॉक्टर, व्हाट आर द रीजन फॉर इंक्लूडिंग दिस चैप्टर। एनसीईआरटी ने ये चैप्टर इंक्लूड क्यों किया है। देखो वाहिदा प्रिज्म क्या है, वाहिदा एक कश्मीर की लड़की है, ठीक है, एक तरह की गर्ल स्टार है, तो बड़ी उसकी स्टोरी है। इंडियन नेवी में वो फर्स्ट कश्मीरी बोलकर ज्वाइन हुई थी, तो उसकी पूरी स्टोरी है। तो ये चैप्टर को क्यों इंक्लूड किया गया है एनसीईआरटी ने ईवीएस में, उसका रीज़न क्या है। तो अपने सामने ऑप्शन है 4, है ना। पहला, हर एक्सपीरियंसेस चैलेंज द जेंडर स्टेरियोटाइप। देखो पहले तो कश्मीरी है, कश्मीरी मुस्लिम है वाहिदा, पहले तो हमारे भारत में ही लड़कियों को जो मतलब घर से बाहर जाकर कुछ अलग अलग प्रोफेशन इख्तियार करने में या फिर अपनाने में दिक्कतें हैं दुनिया की, क्योंकि हमारे पास एक स्टीरियोटाइप है कि लड़कियाँ या औरतें कुछ कर नहीं सकती, और ऊपर से वो मुस्लिम है, तो मुस्लिमों में तो और थोड़े रिस्ट्रिक्शन है, मतलब बहुत सारे आप देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन है बहुत सारे, कि वो ज़्यादातर जो प्रोफेशनल एक्टिविटी है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, वहाँ पर पार्टिसिपेट उनका बहुत कम है। तो अब जब एक मुस्लिम लड़की इंडियन नेवी में एज अ सर्जन ज्वाइन होती है, तो वो क्या करती है, चैलेंज करती है स्टेरियोटाइप की, मतलब कि सिर्फ जो मर्द है वो ही नहीं सारी चीज़ें कर सकते, औरतें भी या गर्ल्स भी हर कोई फील्ड में अपना जो योगदान है या फिर अपना जो जो अपना पार्टिसिपेंट है वो पूरी तरह से दे सकती है, मतलब वो एबल है, काबिल है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वाहिदा प्रिज्म की वजह से एक तरह का स्टेरियोटाइप को चैलेंज दिया जाता है कि लड़कियाँ भी हर चीज़ कर सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ही आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते, तो इसलिए ये भी एक ऑप्शन बराबर है। दूसरा, हर स्टोरी गिव्स अ पीप इनटू लाइफ ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स इन द आर्म फोर्सेस। देखो उसकी जो जिंदगी है ना, तो जो मेडिकल ऑफिसर्स है आर्म फोर्सेस में, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स है, तो उसमें जो हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स है, तो उनको एक तरह का रिकॉग्निशन मिलता, एक तरह का नाम मिलता, एक तरह की पहचान मिलती, तो ये भी बात सही है। तीसरा,
अंडरस्टैंडिंग दैट प्रिज्म रिफ्लेक्ट्स सेवन कलर। देखो हम लोग ये चैप्टर ना साइंस में पढ़ते हैं और ये चैप्टर इंक्लूड करने के पीछे कोई भी ऐसी वजह नहीं है कि बच्चों को साइंस सिखाया जाए। यहाँ पर वाहिदा प्रिज्म की स्टोरी इंक्लूड करने का एक ही मकसद है कि गर्ल्स से रिलेटेड या फिर जेंडर से रिलेटेड स्टीरियोटाइप जो है उनको चैलेंज करना है और ये प्रूफ करना है, साबित करना है कि महिलाएं भी और लड़कियां भी हर वो काम कर सकती है जो मर्द कर सकते हैं। तो वहां पर ये साइंस के चैप्टर का कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। चौथा नंबर का है अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टी फेस बाय हर एंड हर वेज टू टैकलिंग देम। देखो वो जाके पहले डॉक्टर बनी, डॉक्टर बनने के बाद में फिर इंडियन नेवी में ज्वाइन हुई, फिर वहां पे कमांड देने लगी, तो उसको ये आसानी से थोड़ी मिला होगा। बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे उसने, बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई की होगी, उसके बाद में मेडिकल कॉलेज में गई होगी, फिर नेवी ज्वाइन करने से रिलेटेड भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस की होगी। तो हाँ ये बात सही है, तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। देखो ये नेगेटिव आ गया, जहाँ सी रहेगा वो आंसर नहीं रहेगा, ये गया यहाँ पर आपका, ये भी गया, इसलिए आंसर आ गया ये। देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, हालांकि इसको सॉल्व करने के लिए 15-20 सेकंड बहुत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एलेक्स एन ईवीएस टीचर ऑफ क्लास थर्ड व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द थीम वर्क वी डू। जो एलेक्स क्या है वो टीचर है, ईवीएस क्लास का टीचर है थर्ड का एलेक्स। ठीक है, व्हाइल द इंट्रोड्यूसिंग थीम वर्क वी डू, मतलब ये थीम इंट्रोड्यूस करना है, हेल्प हिज स्टूडेंट टू कट कलरफुल स्ट्रिप ऑफ पेपर एंड व्यू द स्ट्रिप टू मेक मैट। तो यहाँ पर क्या करता है वो, मतलब एक थीम इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो टीचर एलेक्स क्या करा रहा है कि जो बच्चे हैं उनसे कलरफुल स्ट्रिप से, मतलब कलरफुल स्ट्रिप किसकी है, पेपर की, उससे मैट तैयार करने के लिए बच्चों को बोल रहा है या फिर करवा रहा है उसको मैट जो बैठने के लिए थी ना स्ट्रिप से। द एज आर ग्लड टुगेदर एंड मेक ब्यूटिफुल मैट। बच्चों ने क्या किया, उसको प्लग किए और जो भी बीवन की जो आर्टिस्टिक जो क्वालिटी होंगी उसको इस्तेमाल करके ब्यूटीफुल मैट बनाया बच्चों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव शुड एलेक्स हेल्प इन स्टूडेंट्स फोकस। तो ये सब करने के पीछे जो एलेक्स है इसका क्या मकसद है, कौन से मकसद है या कौन से ऑब्जेक्टिव्स है उसके जो बच्चों से ये इस तरह की चीज़ें करवा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लर्निंग अबाउट कलर पैटर्न एंड डेवलपिंग एन एस्थेटिक सेंस। देखो यहाँ पर बच्चे जब एक ब्यूटीफुल मैट अब जब बना ले रहे ना, तो बच्चे क्या कर रहे हैं ये सब चीज़ों से क्या कर रहे हैं, एक एस्थेटिक सेंस फील कर रहे हैं। एस्थेटिक सेंस का मतलब होता है कि बच्चे को जब कोई खूबसूरत चीज़ बन जाती है ना, तो एक मज़ा आता, एक प्लेजर फील होता है, उसको बोलते हैं एस्थेटिक सेंस। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सब कलर पैटर्न एंड ये सब के साथ में क्या हो रहा है, कुछ डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद में जो मज़ा आ रहा है उनको वो एक अलग लेवल का रहता, तो उसी को एस्थेटिक सेंस कहा जाता है। तो ये ऑप्शन बराबर है। दूसरा रिलेटिंग द एक्टिविटी टू वीविंग डन बाय वीवर। मतलब वो क्या कर रहे हैं, जो एक्टिविटी है जो वीविंग की जो प्रोसेस है उससे रिलेट करने की कोशिश करा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा मेमोराइजिंग द स्टेप्स ऑफ मेकिंग मैट। देखो हमारे पास में रट्टा मारना ईवीएस में बिल्कुल नेगेटिव है, तो कोई रट्टा मारने लगाना है क्या हमको बच्चों को, बिल्कुल नहीं। चूज पेपर ऑफ द अट्रैक्टिव कलर एंड लर्निंग कटिंग स्ट्रिप परफेक्टली। तो यहाँ पे हम बच्चों को क्या कर रहे हैं कि वो पेपर को बराबर कट करना सिखाना है और मतलब परफेक्टली एक तरह का वो स्ट्रिप बनाने हैं, मैट बनाना है, तो ये भी बात सही है। अब ये तो बिल्कुल सी तो बिल्कुल नेगेटिव है, तो जहाँ सी रहेगा वो आंसर बिल्कुल नहीं रहेगा, ये गया, मतलब आंसर आपका आ गया फिर से फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट कंडक्ट अ सर्वे इन देयर होम एंड नेबरिंग टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मेंबर एंड अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन ईच फैमिली। देखो बच्चों को ना सर्वे करने के लिए कहा गया है, जाओ आप सर्वे करो अपने घर में और अपने नेबर में, फैमिली में कितने मेंबर है और वो कितना पानी अप्रोक्सीमेटली वो कितना पानी यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में सर्वे करने के लिए टीचर ने स्टूडेंट को कहा है। वट स्किल एंड प्रोसेस आर डेवलप थ्रू दिस एक्टिविटी। तो बच्चे जब सर्वे करने जाएंगे अपने नेबर में और अपने घर में जब सर्वे करेंगे, तो कौन सी स्किल या प्रोसेस स्किल बच्चों में डेवलप होगी वो हमको आंसर करना है। तो पहला एक नंबर में देखो क्वेश्चनिंग, जब सर्वे करेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, ये बराबर है। दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन, बच्चे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे पानी का, जो भी एक्सपेरिमेंटेशन तो नहीं होगा इस पर, इसलिए ये निकल जाएगा। दूसरा
सेंसिटिविटी टूवर्ड द इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट यहाँ पे पानी पानी का सर्वे करना है, हाउस होल्ड कितना यूज करे, तो इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा नहीं इसका, इसलिए ये भी निकल गया। पहला है क्वेश्चनिंग, बच्चे क्वेश्चन करेंगे, ये बात सही है। इन्फर भी करेंगे, इन्फर करना मतलब तर्जुमा निकालना, इंटरप्रिटेशन करना, एक जनरलाइजेशन बनाना, हालात को समझना कि क्या कहना चाह रहे हैं हालात, ठीक है। जब उनके पास डेटा आएगा तो वो बहुत सारी चीज़ें इंटरप्रिट करने की कोशिश करेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। अब सर्वे करने के बाद में वो एक्सप्रेस भी होंगे, मतलब जो सर्वे करके जो नॉलेज उनको हासिल हुआ है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश भी वो बच्चे करेंगे यहाँ पर, तो ये वाला आंसर इसका बराबर है। उसके बाद में हाइपोथेसिंग, हाइपोथेसिंग मतलब क्या होता है कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे ऐसे ऐसे उसके रिजल्ट आ सकते हैं वो साइंटिफिक डेटा के बेस पर, तो ये हाइपोथेसिस होता है। बट यहाँ पे सर्वे कर रहा है तो यहाँ पे ये काम में नहीं आने वाला, इसलिए निकल गया। उसके बाद में चौथा प्रिडिक्शन एक्सपेरिमेंटेशन, देखो एक्सपेरिमेंट कुछ करना नहीं उनको यहाँ पे बच्चों को, सिर्फ सर्वे करना है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। याद रखिए एक्सपेरिमेंट बहुत जगह आ रहा है और आपको लग रहा होगा कि ये सर्वे कर रहे होंगे तो एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे उनको सर्वे करने के लिए साफ तौर पे कहा गया है, तो सर्वे करना है मतलब क्या करना है, जानकारी इकट्ठा करना है, मालूम इकट्ठा करना है। बच्चे खुद से ज़्यादा कुछ एक्चुअली कुछ करेगी नहीं एक्सपेरिमेंट, हाँ वो तर्जुमा लगाएंगे उसका या इंटरप्रिटेशन करेंगे जो डेटा उनके पास आ रहा है उसका, वो एक अलग बात है, पर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सर्वे है। जब भी आपको सर्वे है या फिर क्वेश्चनिंग है ना, इंक्वायरी बेस्ड बोला, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन का कोई रोल नहीं रहेगा, ये बात आप याद रखना। डॉक्टर प्रिस्क्राइब ब्लड टेस्ट फॉर द पेशेंट टू कंफर्म मलेरिया, ब्लड टेस्ट इज डन, बच्चे के बच्चों को ना मलेरिया ये बीमारी का पता लगाना है तो कौन सी टेस्ट जो ब्लड टेस्ट है वो की जाएगी वो बताना है आपको यहाँ पर। तो मलेरिया, मलेरिया क्या रहता, मलेरिया जो होता वो एक बीमारी है जो एक प्लाज्मोडियम नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम मान लो एक बहुत बारीक कीड़ा है जो दिखाई नहीं देता जैसे वायरस है और बैक्टीरिया वैसे, तो एक प्लाज्मोडियम है इससे होती है। और ये क्या करता, ये एक एनाफिलस नाम की, एनाफिलस नाम की एक फीमेल मॉस्किटो है उनके ब्लड में और हमारे ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में मतलब ये एनाफिलस जो मॉस्किटो है फीमेल मॉस्किटो उसके ब्लड में और हमारे जो ब्लड है ये दोनों के ब्लड में ही सर्वाइव कर सकता है ये प्लाज्मोडियम। और इससे ही बीमारी होती क्या, मलेरिया, किससे होती, मलेरिया से बीमारी होती। तो ये हमारे इंसानों में ट्रांसमिट कौन करता है, ये एनाफिलस जो मॉस्किटो है ये, मतलब ये मच्छरनी जब हमें काटती है ना तो वो हमें बीमारी होती है मलेरिया। तो उसके लिए टेस्ट करना पड़ता है कि आप कौन सा टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये चेक करेंगे उसमें एनाफिलस मॉस्किटो के अंडे है क्या नहीं हमारे खून में, ये चेक करेंगे। क्योंकि जब एनाफिलस मॉस्किटो जब काटेंगी ना हमें तो उसके अंडों के अंदर हमारे ब्लड में ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये आ जाएगा, तो हम लोग कौन सी टेस्ट करेंगे, ये वाली, ठीक है। और साथ साथ इसके सिम्टम्स भी याद रखो, देखो यहाँ पर है ना हाई फीवर, उसके बाद में हेडेक और शिवरिंग कांपता है इंसान, बहुत ज्यादा बुखार आता है, 104 तक आपको बुखार दिखेगा मलेरिया में। उसके बाद में सर दुखेगा और शिवरिंग, ठंडी बजेंगी फिर गर्मी होगी, ठंडी बजेंगी फिर गर्मी होगी, ऐसा चलेगा, तो ये सब ड्रामा चलता है, ठीक है। तो कौन सी टेस्ट करेंगे, हमारे ब्लड में देखेंगे कि वो प्लाज्मोडियम है कि नहीं है, मतलब अब प्लाज्मोडियम कहाँ से आएगा, जो एनाफिलस जो हमको काटेंगे तो उसके अंडों से हमारे खून में आएगा, तो ये बात याद रखो। उसके बाद में अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बी हीव्स, हनी बी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, उनका जो हीव है या फिर हाइव है जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसका प्रॉपर, तो उसके बारे में हमको देखना है। हनी बी लिव इन बी हीव, बराबर, एवरी बी हीव हैज वन क्वीन बी दैट लाइंग एग्स, देखो जाहिर है कि हनी भी कहाँ रहेंगे, उसके हीव में रहेंगे, ठीक है। और जितने भी हीव है उसमें एक ही क्वीन रहती भी जो अंडे देती है, ये बात सही है, अंडे देती एक ही है जो अंडे देंगे उसमें पूरा, और बाकी सब वर्कर भी रहते हैं जिनका काम नेक्टर को कलेक्ट करना रहता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, ये वाला। दूसरा है, देर आर ओनली फ्यू फीमेल, देखो ओनली फ्यू फीमेल बीज इन द ह्यूज विच हैव द स्पेशल रूल, देखो कोई स्पेशल रोल नहीं रहता इनका, जो मेल है ना इनका कोई स्पेशल रोल, फ्यू रहते थोड़े बहुत रहते पर कोई रोल प्ले नहीं करते, हो सो खाते हो सोते, कुछ काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, स्पेशल रोल तो भूल जाओ आप लोग, अनएम्प्लॉयड एक तरह के, ठीक है। उसके बाद में अगला है,
मोस्ट ऑफ द फीमेल बीज बीज इन द ह्यू आर वर्कर बी हु वर्क ऑल द डे इन मेकिंग द ह्यूज। देखो जो ज़्यादातर इसमें फीमेल बी रहते हैं जिनका काम क्या है, जो हिव को डेवलप करना और स्पेशल रोल परफॉर्म करना, क्या करना कि वो जाते फ्लावर से नेक्टर जमा करके लाते है ना, तो ये स्पेशल रोल है, तो ये भी स्टेटमेंट बराबर है उसका। द वर्कर बीज फ्लाइंग अराउंड द लीची फ्लावर इन द सर्च ऑफ नेक्टर ऑफ हनी, ये बराबर है। जितने वर्कर बी है वो क्या करते हैं, फ्लावर ढूंढते, खास तौर पे लीची, लीची के फ्लावर को, चूंकि फरवरी में फ्लावरिंग आती है इस पे, तो वो क्या करेंगे, ढूंढ के ढूंढेंगे और उससे नेक्टर जमा करेंगे। तो यहाँ पर मोस्ट फीमेल बीज यूज वर्क ऑल द डे इन मेकिंग द ह्यूज एंड ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द बेबी बीज, ये बराबर है स्टेटमेंट, ये भी बराबर, ये भी बराबर है, ये भी सिर्फ गलत कौन सा है, बी, तो बी वाला ये ऑप्शन गया। दो ऑप्शन राइट देने हमें, पहला बराबर है, दूसरा गलत है, तीसरा मोस्ट ऑफ द फीमेल बीज इन द ह्यूज आर वर्कर बी हु वर्क ऑल द डे इन मेकिंग द ह्यूज एंड ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द बेबी ह्यूज, ये बराबर है ना। और वर्कर बीज फ्लाइंग अराउंड द लीची फ्लावर्स इन सर्च ऑफ द नेक्टर ऑफ हनी, ये भी बराबर है, तीनों स्टेटमेंट बराबर है। तो फिर कौन सा स्टेटमेंट लेना चाहिए, ए, ए और मतलब ए तो चाहिए, ये दोनों निकल गए, ये गलत हो गया, ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं हम लोग, ए सी ले सकते हैं या ए डी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते, तीनों ही आंसर बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए डी ले लेंगे, हो जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस शुड बी रिफ्लेक्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 ऑफ लिंकिंग द स्टूडेंट्स लाइफ एट स्कूल टू देयर लाइफ आउटसाइड द आउटसाइड। देखो जो एनसीएफ है 2005 अपने जो उनके फाइव गाइडिंग प्रिंसिपल में साफ तौर पे कहा है कि आपको क्या करना है, बच्चों की जो स्कूल लाइफ है उसको उनकी जो आउटसाइड लाइफ है उससे कनेक्ट करना है। इसका ये मतलब है कि अब जो स्कूल में पढ़ाने वाले हो वो उनकी रियल लाइफ जो आउटसाइड सोसाइटी में जाएंगे तब उसके काम में आना चाहिए, ये साफ तौर पे कहने की कोशिश की गई है अपने फाइव गाइडिंग प्रिंसिपल में। तो ये क्या बताता, ये क्या बताता, तो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट आर कंपेल्ड टू मेमोराइज, बच्चों को रट्टा मारने लगाना है, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव है। टेक्स्ट बुक इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, देखो ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, सिर्फ एक सोर्स है ना, ईवीएस में आपको दुनिया भर के सोर्स का इस्तेमाल करना है, खास तौर पर जो इन्वायरमेंट है बच्चे का उसका इस्तेमाल करना है, किताब बहुत छोटा रोल प्ले करती, तो इसलिए ये ओनली सोर्स बोल रहा हूँ किताब को, तो टेक्स्ट बुक को, तो इसलिए वो गलत हो गया। दूसरा टेक्स्ट बुक सपोर्ट द स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल द गिवन एक्टिविटीज, यस, टेक्स्ट बुक क्या करेंगी, बच्चों को हेल्प करेंगी, क्या जितनी भी एक्टिविटी किताब में दी है, टेक्स्ट बुक में दी है, उसके बेस्ड पे बच्चे क्या करेंगे, खुद का नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये बात बहुत अच्छे से सही है, तो हम लोग इसको राइट करते हैं। टीचर नीड टू यूज टेक्स्ट बुक एज वन ऑफ द टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, देखो वन ऑफ, इसलिए गलत भी आंसर आएगा आपका ये वाला। इट हैज बीन ऑब्जर्व बाय द बोर्ड्स वॉचर दैट देयर इज अ पेक्यूलियर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, द मेल बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट, मतलब कुछ मेल बर्ड्स है वो क्या करेंगे, नेस्ट बनाएंगे, नेस्ट ओन नेस्ट, एंड फीमेल बर्ड्स लुक एट द ओन नेस्ट एंड सिलेक्ट वन शी लाइक एंड बेस्ट डिसाइडेड इन विच द नेस्ट लाइंग हर एग्स, कहने का मतलब है कि कुछ स्पेसिस ऐसे है बर्ड्स में जिसमें मेल क्या करते हैं अलग अलग नेस्ट बनाते हैं, और जो फीमेल बर्ड्स है वो डिसाइड करती है कि कौन सा उसे चाहिए अंडे देने के लिए, वो जो पसंद करेंगी तो वो जाके यूज करेंगे, इसको बोलते हैं वीवर बर्ड्स, ये वाला जो आंसर है इसका वीवर बर्ड्स का, मैं आपको एक इमेज बता देता जो मैंने लेके रखी थी, अब देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये वीवर बर्ड्स है, तो ये मेल ऐसे बनाते नेस्ट बना के रखते हैं, फीमेल देखती है कि कौन सा अच्छा है और चूज करती है, तो ये वीवर बर्ड्स की कहानी है, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं इस पे क्वेश्चन, तो इतना ध्यान रखो, ये वीवर बर्ड्स है, ये अपने मेल क्या करते हैं बनाते हैं और फीमेल फिर चूज़ करेंगी, जैसे कि मान लो ये वाली फीमेल है ना, ये चूज़ कर रही थी थारों में से कि कौन सा उसे पसंद आ रहा है अंडे देने के लिए, ठीक है आगे बढ़ते।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो दो स्टेटमेंट है, हमको उसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है. पहला है भाग्य, पहला ए है अबाउट 4700 ईयर इगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस. तो ये इंडस सिविलाइजेशन की बात हो रही है. देखो 7700 साल पहले, मतलब इंडस सिविलाइजेशन का जो दौर है उसकी बात कर रहे हैं. जो इंडस रिवर है जिसको हम सिंधु नदी बोलते हैं, तो वहाँ पे बसी गई थी. तो ये बात सही है. देखो जो हमारे जो इंडस सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन वो कब से शुरू हुई थी, वो BC में, मतलब 2600 BC, BC 2, BC 2900 BC, मतलब आज से करीब करीब इतने साल, मतलब अभी के 2000 और ये 2000 और ये ऊपर के 7-8 साल ये वाले. तो ये बात सही है. मतलब अभी के 2000 ना बीसी, मतलब बिफोर कॉमन ईरा है ना. कॉमन ईरा कहाँ से, 0 से लेकर 2000, अभी हमारा 2024 चल रहा ना, इसको कॉमन ईरा बोलते हैं, कॉमन ईरा. ठीक है, कॉमन ईरा जो हम 2000, 2001, 2002, 2003 जो भी काउंट कर रही है, पर ये 0 से पहले की बात, पहले इसको बोलते बिफोर कॉमन ईरा है ना. समझा देता इधर थोड़ा समझ. देखो ये यहाँ पर बिफोर कॉमन ईरा ये 0 है ना. तो बर्थ ऑफ क्रिस्ट था, अपन इसको थोड़ा बर्थ ऑफ क्रिस्ट ऐसा था, बर्थ ऑफ क्रिस्ट मतलब जो क्रिस्ट है उसका बर्थ हुआ था क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, तो वहाँ से हमारा कैलेंडर गिना जाता. तो 0 उनके बर्थ से पास से आज 2024 चल रहा, बराबर 2024 चल रहा. तो इसको बिफोर, इसको बोलते हैं ये कॉमन ईरा बोलते हैं, इसको कॉमन ईरा, कॉमन ईरा. ठीक है, कॉमन ईरा. और जो बर्थ ये क्रिस्ट के बर्थ से पहले था तो उसको बोलते हैं बिफोर कॉमन ईरा, बिफोर कॉमन ईरा, या फिर बीसी भी बोल देते कभी कभी. ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि आज से लेकर 4700 साल पहले है ना. तो 4700 साल पहले मतलब बिफोर ईरा कितना होता है, 2000 के करीब करीब इतना होता. तो मतलब वही इंडस सिविलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन तो ये बराबर है, आज से 4700 पहले इंडस सिविलाइजेशन था. तो वहाँ पर वो इंडस सिविलाइजेशन जो था तो हमारी इंडस रिवर के किनारे बसा था, हमको सबको मालूम है, जहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ऐसे शहर बने होंगे. ऋतिक रोशन की मूवी भी देखी होंगी आपने. उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं. अबाउट द 1500 ईयर इगो द सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट इज ट्रिब्यूटरीज. मतलब 1500 साल पहले क्या होता, फिर गंगा नदी के किनारे मतलब शहर डेवलप हुए थे. तो उससे बहुत पहले डेवलप हो गए थे, वो वैदिक ईरा की बात हो रही, मतलब ये वैदिक ईरा की बात हो रही, वैदिक ईरा. और जो वैदिक ईरा था तो वो 1500 से लेकर 600 BC तक, मतलब आज से करीब करीब ये 1500 साल, समझो 1000 साल ही पकड़ लेते हम लोग, एक साल ये 1000 साल वो, और ये 2000 3000 साल है. तो ये 1500 ही बोल रहा है, इसलिए गलत हो गया है. मैं आपको एक इमेज से समझा देता. देखो जो हमारा इंडस पहला जो सिविलाइजेशन हुआ था है ना, ये गंगा नदी के किनारे सिविलाइजेशन हुआ था, ये वैदिक ईरा है. और उससे पहले आया था ये वाला जिसको बोलते हैं हम लोग इंडस सिविलाइजेशन. इसको थोड़ा जूम आउट करके समझाता है. ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भारत है, ये भारत बोले तो तब का भारत. ठीक है, अब ये कब की बात हो रही, 2600 BC से लेकर 1900 BC, मतलब इसको बोलते हैं इंडस सिविलाइजेशन का दौर. तो यहाँ पर इंडस, ये इंडस रिवर है और इस पे ये शहर देख रहे होंगे आप, ये शहर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट शहर था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और बहुत सारे वो टाइम के बहुत सारे, जैसे कि हमारे इधर गुजरात की साइड धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, ये बहुत सारे शहर थे तब बसे थे, फिर अचानक गायब भी हो गए. खैर ये तो लंबी कहानी है, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे. तो जो इंडस सिविलाइजेशन का दौर था ना, वो इंडस रिवर के किनारे था. ठीक है, और ये दौर था ना, तो ये था बीसी, मतलब आज से करीब करीब 4500 साल पहले की बात हो रही, तो इसलिए वो स्टेटमेंट बराबर है. अब क्या हुआ फिर, ये सिविलाइजेशन तबाह होगी, मतलब बाढ़ आ गई, भूकंप आया, क्या आया किसको कुछ उसकी आइडिया नहीं, पर ये सिविलाइजेशन पूरी की पूरी ख़त्म होगी. उसके बाद में लोग इधर शिफ्ट हुए गंगा में, ये वाला ये इलाके में शिफ्ट हुए, मतलब यहाँ के लोग यहाँ शिफ्ट हुए, और फिर
हमारा जो वेदिकीरा शुरू हुआ, तो वेदिकीरा कहाँ बसा, गंगा नदी और उसकी जो ट्राइब्यूटरी है वो, और वेदिकीरा शुरू होता आपका 1500 BC, 1500 BC से लेकर 600 BC तक, ठीक है। यहाँ पर फिर जनपद आते 600 में, महाजनपद आते थे, महाजनपद 600 में आते हैं और वहाँ से फिर मौर्या ये वो सब शुरू हो जाता, आपके जो वैदिक ये अपने बुद्धिज्म शुरू हो जाता, जैनिज्म शुरू हो जाता, ये सब बातें हैं, लंबी हिस्ट्री की कहानी है, बस इतना याद रखो। तो वापस जाते हैं हमारी, ये देखो ये वैदिक, ये नेक्स्ट इमेज में आप देखेंगे, खैर समझ में आ गया होंगे आपके, ज्यादा डिटेल में जाता नहीं मैं, ना तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये देखते हैं कुछ ऑफ द, तो आंसर क्या है इसका, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पर इसको देखेंगे ना वापस, तो ये स्टेटमेंट सही है पर ये वाला गलत है, ये 1500 नहीं है, करीब करीब 2000 और 3000 साल पहले की बात है, इसको 3000 साल पहले की बात है, तो यहाँ 1500 ही बोल रहा है इसलिए गलत हो गया। 1500 में तो इधर मौर्य ये आ गए थे, गुप्ता आ गए थे, बहुत पुरानी बात है। तो मतलब पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है, तो आंसर क्या है, ए इज ट्रू और बी फॉल्स, मतलब तीसरा नंबर का राइट आंसर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिफ्लेक्ट चाइल्ड सेंटर स्ट्रेटजी इन टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पर ईवीएस जब आप पढ़ाएंगे तो चाइल्ड सेंटर स्ट्रेटजी कौन सी रहेगी वो बताना है आप। तो पहले डिस्कशन है, बराबर डिस्कशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है, लेक्चर, लेक्चर तो नेगेटिव है, ये गया सर्वे, सर्वे एक नंबर पे। अब दोनों में से कौन सा होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए या डेमोन्स्ट्रेशन? तो देखो पहले अगर इसको मैं हम लोग ऑर्डर में लगेंगे तो पहले सर्वे आएगा, सर्वे उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा अच्छा है, डेमोन्स्ट्रेशन उसके बाद में डिस्कशन, डिस्कशन तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से। तो अब इसके हिसाब से हमको ऑप्शन चूज करना है, तो जहाँ पर सी है वो तो आंसर नहीं आने वाला है, ये गया, ये भी गया, ए बी, ए डी और ए बी, डी तो चाहिए ना, डी तो चाहिए ना, डी तो बहुत परफेक्ट आंसर, इसलिए ए डी, मतलब ये वाला और चार नंबर का सर्वे, ओके। अगला क्वेश्चन 43 नंबर का, पोचमपल्ली इज अ फेमस डिस्ट्रिक्ट, इट्स ब्यूटीफुल डिजाइन, ब्राइट कलर साड़ीज एंड फॉर द स्पेशल काइंड ऑफ व्यू विच इज आल्सो कॉल्ड पोचमपल्ली। आपको सबको मालूम है पोचमपल्ली की साड़ी की बात हो रही, और ये पोचमपल्ली साड़ी कहाँ पे, तेलंगाना में, ठीक है। सिल्क साड़ी है, पोचमपल्ली एक तरह का डिजाइन का तरीका है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पोचमपल्ली है, और उसी साड़ी के डिजाइन की वजह से और उसकी जो क्वालिटी है उसकी वजह से इलाके को भी पोचमपल्ली नाम मिला और बाद में वो डिस्ट्रिक्ट बना उसका। ये बहुत पुराना तरीका है हमारे तेलंगाना में, जो सिल्क साड़ी बनाते स्पेशल थ्रेडिंग से बनाते, बहुत खास किस्म की साड़ी होती है, ठीक है, इसलिए वो आंसर है उसका। अगला, सीमा इज एन ईवीएस टीचर ऑर्गेनाइज फील्ड ट्रिप। सीमा ने फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज की टू जू फॉर अवर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव। तो फील्ड ट्रिप बनाई इसने जू में, तो उसका मकसद क्या है वो देखना है हमको। रिकॉल द नेम ऑफ एनिमल, देखो रट्टा मारना हमारे पास में अलाउड ही नहीं है इसलिए ये निकल गया। रिलेट द कंसेप्ट रिलेटेड टू एनिमल्स, देखो जो भी कंसेप्ट एनिमल से रिलेटेड बच्चे के दिमाग में है वो उससे रिलेट करने की कोशिश करेगा, है ना, जो भी है, जैसे कि बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, जिसको चार पैर आते हैं, दो पैर आते हैं, कुछ अंडे देते हैं, कुछ नहीं देते, तो वो सारी बातें वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा बच्चा, ये बात सही है। प्रमोट द प्रोसेस स्किल, यस, जब आप उसको जू में लेके जाएंगे तो वो ऑब्जर्वेशन करेगा, वहाँ पे क्लासिफिकेशन करेगा एनिमल्स के, ठीक है, इन्फॉर्म निकालेगा, वो सारी चीज़ें करेगा, तो इसमें उसकी बहुत सारी प्रोसेस स्किल प्रमोट होगी, ये बात सही है। असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग एट जू, आप क्या कर सकते हैं उसकी लर्निंग को असेस भी कर सकते हैं एज अ टीचर, तो ये तीनों ही सही है, सिर्फ ए गलत है, जहाँ ए है वो गलत, ये दोनों गए, उसमें ये भी ए नहीं चाहिए गया, आंसर आ गया थर्ड, सेकंड आंसर। एन ईवीएस टीचर डाउट अबाउट एनिमल टू हर स्टूडेंट एंड आस्क देम टू डू फॉलोइंग टास्क। टीचर बच्चों को पढ़ा रहा और उनको बोल रहा कि फॉलो करो फॉलोइंग टास्क, कौन सा टास्क है, मतलब टीचर इज डाउट अबाउट एनिमल, एनिमल पढ़ाएगा तो कौन सा टास्क अच्छा रहेगा वो बताना है आपको, कौन सा बेहतर टास्क रहेगा। पहला है राइट नेम ऑफ द वेरियस एनिमल अराउंड देम, ठीक है, ऑब्जर्व एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एनिमल, क्लासीफाई एनिमल एंड कैटेगराइज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये वाला अच्छा रहेगा।
ज्यादा अच्छी एक्टिविटी कौन सी एनिमल के बारे में, तो वो क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है एनिमल्स का, उनकी कैटेगरी के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अलग अलग तरह के एनिमल्स है ना, कुछ ओमनीवेरस है, कुछ कार्निवेरस है, उसके बाद में उनके फूड हैबिट अलग अलग है, फिर फूड हैबिट अलग अलग होने के साथ साथ उनकी दुनिया भर की चीज़ें हैं, उनकी यूटिलिटी अलग है, फीडिंग तरीका है उनका, मतलब उनका जो फर्टिलाइजेशन है वो अलग अलग है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बच्चा करेगा यहाँ पे जब क्लासिफिकेशन करेगा, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, प्रैक्टिकल करेगा तो बहुत आसानी से समझ में आएगा बच्चों, और आसानी से कराने के लिए प्रैक्टिकली कराना चाहिए, तो मैं इसके फेवर में हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये वाला तो बहुत सही है। उसके बाद में क्या बोल रहा हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अप्रोप्रिएट, मतलब नॉट अप्रोप्रिएट बोल रहा क्या, तो ये वाला एक नंबर का, ये वाला अप्रोप्रिएट नहीं है इसमें, ये तो है। और डिफाइन द टर्म्स एनिमल, ये भी नहीं है, मतलब एडी है ऑप्शन में, नहीं है, ओनली डी, फिर ये वाला राइट आंसर। ये डिफिनेशन वगैरह ये नेगेटिव है ना, ये गलत है। ठीक है, 75 हो गया। देखो अभी सिर्फ 15 क्वेश्चन डिस्कस करा हमने, तो इतना टाइम चला गया, अब बचे हुए 15 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट यानी मैं कल रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। बहुत बड़े बड़े लेक्चर हो गए, तो मैं थोड़ा लिमिट में करने की कोशिश करूँगा, और हुआ तो मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँगा, तो लाइव में हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे, हुआ तो टाइम हुआ बट लाइव डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही है, वीडियो को शेयर कीजिए, जो नए हैं वो तो लाल बटन को भी दबा लो, साथ साथ मिलते रहेंगे फिर नए नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दो, बाय बाय।